साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और भाइयों, आज जो भाइयों वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, काफ़ी किसान भाइयों का, भाइयों मेरे पास में फ़ोन भी आए और मेरा अपना भी मन था कि आज के टाइम में जो है भाइयों 0238 गन्ना वैरायटी, जिसने पिछले वर्षों में 15 से 20 साल के लगभग का समय हो गया, सारी वैरायटियों पर राज करा और बहुत अच्छा उत्पादन गन्ना किसानों को दिया। पिछले साल भाइयों ज़बरदस्त बीमारी आई, जहाँ से अब गन्ना किसानों को जो है नई वैरायटी की तरफ जाना पड़ेगा। और सरकार ने जो है भाइयों कई वैरायटियां जो है पास भी करी पिछले वर्ष, जैसा कि आप के सामने 5 वैरायटी अब गन्ने की है, जिसमें दो वैरायटी पुरानी भी है, 0118 भी 38 के समय से ही चल रहा और 0238 होगी। और भाइयों तीसरी वैरायटी यहाँ पर है 15023, चौथी वैरायटी होगी कोलक 14201 और भाइयों पांचवी वैरायटी होगी यहाँ पर 13235। तो आज की वीडियो में भाइयों बिल्कुल कंप्लीट आपको तीनों गन्ने जो है औसतन बिल्कुल बराबर हाइट के लिए है हमने, इसमें किसी बीज का ना तो कोई प्रमोशन है ना किसी बीज की बुराई करनी हमें, गोड़ा बिल्कुल ऊपर से काटा जाएगा चारों पाँचों वैरायटी का, जहाँ तक गोड़ा है वहाँ से काटेंगे। और इस गन्ने की मोटाई भी, लंबाई भी और वजन भी पांचों के पांचों वैरायटी में है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाऊंगे ताकि गन्ना किसानों को जो है इससे भी कुछ समझ में आ सके कि कौन सी वैरायटी में अभी सबसे ज़्यादा वजन है, क्योंकि कोई किसान बताता है कि 15023 में वजन ज़्यादा है, कोई कहता है कि सबसे नंबर उन पर 0118 है, कोई कहता है कि अभी 38 में वजन बहुत है अभी। तो भाइयों सेम हाइट है, आप ऊपर देख लो गन्ने की बिल्कुल, और मैंने अपने आप गन्ने छाट कर आया हूँ मैं। तो अभी जो है इनकी सबसे पहले तो हाइट नापी जाएगी, कौन से गन्ने की कितनी लंबाई है, उसके बाद में इसकी थोड़ी सी मोटाई भी कोशिश करेंगे नापने की। भाइयों 0238 और 15023 दोनों गन्ने लुढ़क गए। तो अभी एक बार जो है सबसे पहले हाइट नापते हैं, एक बार इंची टेप काट लो भाई एक बार। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे इनकी हाइट दिख लंबाई, कौन से गन्ने की कितनी लंबाई है। चारों के चारों गन्ने जो है फागण की बुआई के हैं, मार्च की बुआई के, एक ही खेत से गन्ने का सीड लिया गया, बस मैं 18 अपने यहाँ से लेकर आया हूँ, 18 यहाँ पे थानी। अरे भाइयों चारों के चार, पांचों के पांचों जो गन्ना वैरायटी है एक ही खेत से ली गई है, औसतन लंबाई चारों की बराबर है। तो अभी सबसे पहले जो है देखो मैं 13235 को अभी नपवाऊँगा, उसमें दिखाऊँगा आपको कितनी हाइट है इसकी, फिर उसके बाद में 14201 नपा जाएगा, फिर जो है 118, और मैं थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखा दूँ, बिल्कुल ओरिजिनल 118 है, ये देख लो आप ऊपर तक, ये 38 हो गया और इधर जो है ये 15023 है। कोलक 14201 भी बढ़िया हाइट ले रहा है जी, यहाँ पे देख लो बहुत ही अच्छा गन्ना टिशू कल्चर, और ये 13235 भी। तो भाइयों ये देख लो इंची टेप से जो है इसे नो घुमाओ, हाँ इंची टेप को भी गन्ने पर लो, यो नापना है गन्ने तक, रुक जा। हाँ कितनी बैटरी, ये बैटरी हो रही यहाँ तक है। तो भाइयों यहाँ तक हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ये हो गया, तो भाइयों देखो गोले तक अगर हम नाप रहे हैं यहाँ तक तो 11 फुट गन्ना आ रहा है 13235 का, ठीक है जी, हम जहाँ तक गन्ना है वहाँ तक नापेंगे बस, 11 फुट का ये गन्ना हो गया 13235, ठीक है जी। इधर भी दिखा दूंगा आपको, दोनों सिरे से सिरे नापे गए हैं, ये देख लो भाइयों 0 आ गई, हवा चल रही थोड़ी सी यहाँ, ये देख लो 0 रख के देखो पूरा, आ जाता काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा जी ना, काटना पड़ेगा, मुड़ रहा है, काट लो काट लो फिर कोई दिक्कत। भाइयों एक बार थोड़ी सी मोटाई और दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखो भाइयों 4 इंची की मोटाई आ रही नीचे से, बीच में थोड़ा ना भाई को, 13235 है, यहाँ भी 4 ही है, ठीक है ना, आगे और लइए फुंगड़ में, सबसे आगे नापते सिरे भाई, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर भाई ये 3:30 आ गई, देख लो ये फित्ते में थोड़ी हमारी गड़बड़ हो रही, 3:30 आ गई। तो भाइयों एक तरह एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, नीचे से गन्ना मोटा है, बीच में बराबर है और ऊपर वाला सिरा जो है ये कम हो गया 1/2 इंची, तो ये भी ठीक बात है कि पैरों का मजबूत लिकड़ेगा। अभी जो है इसे कटवाते हैं, बीच में से यहाँ से लप्पे से काट दो भाई, अब तोल लो। भाइयों ये हो गया 2 किलो 400 ग्राम, और ये पॉइंटों में भी है 24:58, ठीक है ना? हाँ ठीक है, 24:53 24:58 तार लो जी। तो भाइयों तो 13235 हो गया 24:58। अब दूसरी वैरायटी आती है इससे बाद में, कोलक 14201। ये देखो भाइयों मीटर इधर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी, 1 फुट 2 फुट देखे भाई, ढूंढ के वहाँ कितने फुट बैठ रहा, कितना है? 10 फुट यहाँ 10 फुट 10 फुट में अगर ये देखा जाए तो सारी ऊपर कहाँ तक है इसमें। तो भाइयों ये कोलक 14201 जो है इसकी हाइट बैठी भैया यहाँ का हो गया ये 9 फुट ये रहा भाइयों, और 9 से आगे आप ये आधा फुट और मान लो एक बिला है ना, 3 पोरी और है छोटी है। तो भाइयों 9.5 फुट गन्ने की हाइट है इसकी। अब इसका गोलाई देखते हैं एक बार, इसकी इंची टेप से भाई गोलाई और दिखाओ, मोटाई देखे ऊपर नीचे से, नीचे से बारीक है थोड़ा सा, अभी बीच में से मोटा हो रहा है ना, नाप दो भाई गोलाई ऊपर से, गोलाई गोलाई इंची टेप से, हाँ गोलाई 3.5 नीचे से, चलो बीच में को दिए भाई, बीच में को आ गई 4 भाई। और टीसू कल्चर 14201 है, बीच में 4 आगे देख लो, 4 इंची के आगे देखो भाई, सिर्फ बीच में था मोटा लिख रहा है, ऊपर ले सिर्फ पहुँच जा बिल्कुल 3.5 ही आओगी, हाँ 3.5 ही है भाई, ऊपर आके पतला हो गया देखो। ये हो गया कोलक 14201, अभी इसका वेट कराते हैं, रुक जाओ पहले 0 चेक करवाओ भाइयों, 0 देख लो, चलो रखो बैलेंस बना लो इसका, भाइयों 2.85 ठीक है जी, कोलक 14201 हो गया, 2.85 हाइट होगी 9.5 फुट ठीक है जी। अब भाइयों तीसरी वैरायटी आ गई, अब क्या सीओ 118, ये देख लो हाइट भी करने की, गेरो जी थे इंची टेप था भाई। तो भाइयों देख लो इधर सिरे से लेके गन्ने को यहाँ तक दिखा दूँ मैं, ढूंढ ले भाई कहाँ था, 5 फुट यहाँ तक हो गया, फुट अच्छा 9 फुट हो गया यहाँ तक भाइयों, ये 18 का है 0118, देखिए और एक आधी निखार के, एक पूरी और होगी ज़्यादा, एक पूरी और एक काट दो, हाँ जी 9 दिखाइए कहाँ तक है, 9 हो रहा है भाइयों, 9 फुट की हाइट है इसकी, देख रहे हो यहाँ तक पूरी है, पूरी निखार ली, और 118 ओरिजिनल वाला है कंटी वाला, ठीक है जी। अभी इसका जो है मोटाई और चेक करवाते हैं एक बार, मोटाई देखे भाई आपको, भाइयों अभी जो है इसकी मोटाई दिखा दूं मैं, जैसे ना चली 3 इंची है भाइयों, नीचे से जो है देखो 3 इंची है, ठीक है जी, आ जाओ बीच में को देखो, बीच में भाइयों 3 से थोड़ा फालतू होगी, 3.5 होगी। अब ऊपर ले सिरे पर और दिखाऊंगा आपको, 3.5 ही ऊपर है, 3.5 इंची ऊपर है, ठीक है जी। अब इसका वेट कराते हैं भाइयों, 9 फुट की जो है लंबाई है गन्ने की सीओ 118 की, और वेट और दिखाते हैं आपको, एक बार 0 दिखाओ भाई, कांटे में 0 है,
भाइयों 187 ये देख लो CO 118 एक किलो 800 ग्राम 73 पॉइंट है ना। ये भाइयों हो गया 18 का 0118 का वैरायटी का। और अब की बार में भाइयों 15023 ये भाइयों 15023 है। ठीक है जी, इसकी भी पत्ती उतार लो एक बार फिर। 9 फुट हैंडल हो गया, 9.5 मान लो। अभी एक पोरी और निखर जाएगी इसकी। हाँ 9.5 फुट है भाइयों। 15023 की जो है लंबाई 9.5 फुट बैठी। और अब इसकी मोटाई और नाप ले एक बार। देखिए भाई मोटाई और नाप को एक बार फटाफट। गन्ने की जो मोटाई है भाइयों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, 4 इंची है ये देख लो आप। ठीक है जी, और बीच में से भाइयों 3 इंची होगी ऊपर। और देख लो भाई नहीं जो देखो भाइयों 3.25 इंची ऊपर से है। अब इसका वेट और कराते हैं एक बार, कांटे में दिखाते हैं। सबसे पहले ऑन कर दो कांटे में आगे 0। ये देख लो भाइयों, इधर भी देख लो। और इसमें भी वेट भाइयों 18 के बराबर ही है, 1/18 28। अब भाइयों सबसे लास्ट में वैरायटी आ गई 0238। फलाओ जी से भी ऊपर तक निखार लो इसे भी। तो भाइयों 0238 को देखो, इस वैरायटी ने बहुत दिन राज करा। और आज इसमें चेक करके पता चलेगा वजन कैसा है। 10 फुट क्या, 10 फुट ही हो रहा है। हाँ 10 फुट ही हो गया। ठीक है यो मान लो। हाँ एक पूरी और हो गया अगर 10.5 फुट। हाँ तो भाइयों 10.5 फुट की लंबाई है गन्ने की। और अब इसका भी जो है गोड़ाई और नापेंगे एक बार। मैं इधर से दूसरी तरफ से कर। हाँ बस ठीक है 3.5 है। आगे आ जाओ भाइयों, यहाँ पे भी 3.5 आ रहा। ये पे भी 3.25 है। ठीक है जी, 10.5 फुट की इसकी होगी हाइट। और अब एक बार वेट और चेक करवाते हैं इसका। ये कर लिया कांटा 0। तीनों ही बराबर आए। हाँ इसमें भी 1.80 28। ये भाइयों इधर भी दिखा दूँ मैं सिरा, और इधर का सिरा भी दिखा दो। ठीक है जी, घोड़े समेत हमने वजन तोला है भाइयों। 5 वैरायटी हमारे पास में गन्ने की थी, सारों का वजन भी दिखा दिया, मोटाई भी दिखा दी। कोई एक्यूरेट तो बिल्कुल देखो खेत में नाप रहे, फित्ता भी हमारा ऐसा ही था। कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो उस पर कमेंट ना करियो। बाकी मोटा मोटा आपको दिखाया गया पंचो फैक्ट्री वो गन्ना वैरायटियों में कौन सी में सबसे ज़्यादा वजन है। तो सबसे ऊपर जो है भाइयों 13235 है, जिसमें जो है 2 किलो 400 ग्राम और कुछ पॉइंटों में भी है। और दूसरे नंबर पर जो गन्ने की वैरायटी में वजन आया 14201 में भाइयों 2 किलो कुछ करके आया। वो आपको वीडियो में दिख जाएगा, मेरे ध्यान नहीं रहा, कागज़ पे लिखना था लेकिन जल्दी में वीडियो ऐसी बन पाई। तो भाइयों ये देख लो
दोनों वैरायटियों में बहुत ही अच्छा वजन है। और तीनों वैरायटी जो ये है 0118 15023 और 0238 सेम सही वजन है, तीनों में बराबर आया। 1 किलो 800 ग्राम, किसी में पॉइंटों में कम है, किसी में फालतू है। तो भाइयों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे एक वीडियो बनानी थी, काफ़ी समय से सोच रहा था, तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी का आप बताना कमेंट करके। नमस्कार।